नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। और देखिए, अचानक से इत्र में से बदबू उठने लगी है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज से लेकर के लखनऊ तक इत्र कारोबारियों पे आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। आयकर विभाग की टीम कन्नौज के इत्र कारोबारी मोहम्मद अब्दुल मलिक के छोटे भाई मोहम्मद मोहसिन मलिक के घर भी छापेमारी मार रही है। और सुबह से ही मोहम्मद मोहसिन के घर ये कार्रवाई जारी है। तो वहीं पीयूष जैन पर शिकंजा कसने के बाद जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय और इनकम टैक्स विभाग की संयुक्त टीम ने पुष्पराज और पंपी के ठिकानों पे भी छापा मारा है। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर पुष्पराज कौन है? तो मैं आपको बताती हूँ कि पुष्पराज कौन है, किस तरीके से इसने अपनी आमदनी को यकायक कितना बढ़ा लिया और किस तरीके से इसने सपा का हाथ थामा, सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि सुबह से ही लखनऊ से लेकर के कन्नौज तक और कन्नौज से लेकर के लखनऊ तक छापेमारी जारी है। डीजीजीआई और आईटी की संयुक्त टीम शुक्रवार यानी कि आज ही सुबह 7 बजे पंपी जैन के सभी ठिकानों पर पहुंचती है और तलाशी शुरू करती है। और ये छापेमारी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी चल रही है। फिलहाल जीएसटी की टीम पुष्पराज जैन की फैक्ट्री और घर में मौजूद है, वहां पे वो सब चीजों की तलाशी ले रही है। आप जानना चाहेंगे कि पुष्पराज है कौन, तो मैं आपको बताती हूँ कि इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन और पंपी जैन समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मौजूदा वक्त में एमएलसी भी हैं। पुष्पराज जैन का घर कन्नौज के छिपट्टी में है। 2016 में पुष्पराज जैन इटावा, फरुखाबाद और एमएलसी से एमएलसी चुने गए थे। वो प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर भी हैं और उनके इस बिजनेस की शुरुआत उनके पिता सवेर लाल जैन ने 1950 में की थी। पुष्पराज जैन और उनके 3 भाई कन्नौज में बिजनेस करते हैं, एक ही घर में रहते हैं। और एमएलसी पुष्पराज का मुंबई में भी एक घर है, वहाँ पे भी एक ऑफिस है और वहाँ 2 भाई इस काम को देख रहे हैं। 12 देशों में उनका निर्यात होता है, उनके सौदे होते हैं और काफी सारी संपत्ति है पुष्पराज जैन के पास। पुष्पराज जैन ने 2016 में एमएलसी चुनाव के दौरान अपने हल्फनामे में ये बताया था कि उनके परिवार के पास 37 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 10 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनका एक पेट्रोल पंप भी है, एक कोल्ड स्टोरेज भी है और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। तो अभी उनके घर में उनके कई ठिकानों पे टीमें कार्रवाई कर रही हैं, छापेमारी जारी है और ये कब तक जारी रहेगी इसका भी कुछ पता नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको देती रहूंगी इससे जुड़े हुए सारे अपडेट्स। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपके साथ किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।